नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वृश्चिक राशि वाले हो जाएं तैयार, क्योंकि दोस्तों यह समय भगवान भोलेनाथ के असीम आशीर्वाद आपके जीवन में आपको धन्य कर देगा। दोस्तों आपको बता दें कि यह समय स्वयं महाकाल यानी शिव जी की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है। इसी में दोस्तों यश में आपके जीवन में होने वाले सबसे बड़े परिवर्तनों में भगवान शिव का हाथ होगा और यश में आपके सभी कष्टों का निवारण करने में भी भगवान शिव का हाथ होगा। यश में आपके जीवन में भगवान शिव महादेव आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन करेंगे। दोस्तों यश में आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएँ होंगी, कुछ ऐसे बड़े परिवर्तन होंगे जिनसे आपका मन यश में विचलित होगा कि हम क्या करें या ना क्या ना करें। ऐसे में दोस्तों आप हड़बड़ी में कोई गड़बड़ी भी कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों यश में आप संयम से काम लें और आपको क्या करना है यह समय पर आपको पता चल जाएगा। ऐसे में दोस्तों यश में शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत ही प्रलय की तरह रहेगा। यश में आपको कार्यक्षेत्र में लेकर बहुत सारी शुभ स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। दोस्तों आपके आसपास का वातावरण यश में मधुर रहेंगे, जिनसे सभी लोग आपको तारीफ करेंगे। दोस्तों यश में आपको मान सम्मान और अनेकों प्रकार की सुख सुविधाओं की भी प्राप्ति होंगी। यश में आपके जीवन में आने वाली सभी खुशियों का वातावरण शिव भगवान शिव आपको देने वाले हैं। दोस्तों यश में भगवान शिव महाकाल के आशीर्वाद से आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगे जिनसे आपका मन यश में प्रसन्न रहेगा। दोस्तों यश में घर का माहौल खुशनुमा रहेगा, क्योंकि दोस्तों घर में भी आर्थिक तंगियों की जो लेकर स्थितियां थी यश में दूर होंगी। घर से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान यश में होगा। दोस्तों यश में आपके दुख दर्द और सभी संकट समस्याओं से भी भगवान महादेव आपको निजात दिलाने वाले हैं। दोस्तों यश में आपके कार्यक्षेत्र को लेकर जो भी स्थिति गड़बड़ थी यश में उनमें सुधार होगा और दोस्तों आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। दोस्तों भविष्य के कार्यों के लिए आप अग्रसर रहेंगे और भविष्य में आप बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं भी प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों यश में से आपके आने वाले सभी रास्ते सफलतादायक रास्ते होंगे और भविष्य को लेकर आप भविष्य के नई सीढ़ियों को चढ़ेंगे और सफलता का द्वार आपके लिए खुला रहेगा। दोस्तों यश में शिव का आशीर्वाद से आपके जुमने अनेकों प्रकार की बड़ी खुशखबरियों की आपको प्राप्ति होगी। बहुत बड़े बड़े और सुनहरे अवसरों को भी आप यश में प्राप्त करेंगे। दोस्तों इन सभी के बारे में जानेंगे विस्तार से, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों वीडियो के मध्य में बताई गई हर एक छोटी सी बात आपके जीवन से जुड़े हर पहलुओं के लिए महत्वपूर्ण होगी, तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों भोलेनाथ से जुड़ी और आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं। दोस्तों कुछ नैतिक लोगों के साथ मेल मिलाप के बेहतर परिणाम सामने आएंगे और दोस्तों लाभदायक परिस्थितियां भी बनेंगी। दोस्तों आपके विनम्र स्वभाव और उत्तम व्यक्तित्व की वजह से घर तथा आसपास के वातावरण में भी आपकी तारीफ होगी। पड़ोसियों के साथ चल रहा कोई बात बात संबंधी मसला भी यश में हल होगा, जिससे दोस्तों आपके घर संबंधी सभी मामलों में जो है प्रसन्नता का माहौल रहेगा। वहीं दोस्तों यश में सावधानी की अगर बात करें तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपने स्वभाव की वजह से लोग आपका नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। इस वजह से दोस्तों आप अपने आत्मबल को कमजोर महसूस करेंगे, इसलिए दोस्तों यश में आपको सावधान रहने की जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों यह आपका वहम है। साथ ही दोस्तों इसके उपरांत आपके लिए समय होंगे दोस्तों आपकी समस्याओं का समाधान देने के लिए आसपास के लोग जो है असफल रहेंगे। परिस्थिति का पूरा अवलोकन करना आपके लिए अधिक आवश्यक होगा। मित्र परिवार के द्वारा साथ मिलने के बावजूद भी आपको अकेलापन सताएगा। काम करते समय पूरा फोकस न होने की वजह से कोई कीमती वस्तु या फिर दस्तावेज यह समय खो भी सकते हैं, इनसे सतर्क रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे दोस्तों यश में अगर कोई कोर्ट के संबंधी कार्रवाई चल रही है तो दोस्तों उसका फैसला आपके पक्ष में होने की संभावना बन रही है, इसलिए दोस्तों अपने पक्षों को मजबूत करके रखें। दूर दराज संबंधियों और मित्रों में भी संबंध स्थापित होंगे और आपसी प्यार भी यश में बढ़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों परंतु दूसरों के कार्यों में अपना हस्तक्षेप ना रखें और ना ही बिन मांगे सलाह दें, क्योंकि दोस्तों इनका नकारात्मक प्रभाव आप पर ही पड़ेगा। संतान से संबंधित कोई भी चिंता रह सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे दोस्तों मन की उदासीनता की वजह से मिल रही प्रगति का आनंद लेना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। कोई भी फल आपको वक्त से पहले नहीं मिलेगा, इसलिए दोस्तों जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है वैसे बातों के बारे में चिंता करना समय व्यर्थ गंवाना होगा। दोस्तों पारिवारिक विवादों को निपटाने के लिए जो है कायदे की मदद लेना आपको चाहिए।
इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके जो समय होंगे दोस्तों, यह समय अगर स्थान परिवर्तन संबंधी कोई योजना बना रहे हैं तो दोस्तों यह समय उस पर गंभीरता से विचार करें। यह समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। डेली रूटीन के कार्यों से हटकर कुछ समय जो है आत्मनिरीक्षण करने में भी व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों किसी असंभव कार्य को भी इसमें संभव बनाने में आप सक्षम रहेंगे। ध्यान रखें कि आपके ही अहम या फिर जिद की वजह से भाइयों के साथ कोई वाद विवाद भी हो सकता है। दोस्तों अपने व्यवहार पर लचीलापन बनाए रखें। साथी दोस्तों बहुत अधिक सोचने के बावजूद आप जो है अपनी योजनाओं को यश में क्रियान्वित करें। इसके बाद दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके लिए दिनचर्या के लिए समय होंगे। दोस्तों लोगों की नकारात्मक बातों का असर जो है आप पर जल्दी ही होता है, इसलिए दोस्तों महत्वपूर्ण काम करते समय काम से जुड़ी योजनाओं के बारे में अधिक चर्चा ना करें। दोस्तों किसी व्यक्ति के बारे में जो है बढ़ती कड़वाहट आपकी मानसिक शांति भी भंग कर सकता है, इसलिए दोस्तों या तो व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें या फिर जिन बातों से आपको तकलीफ होती है उन बातों के बारे में जो है ना सोचें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी मेहनत और लगन के अनुरूप आपको अच्छा परिणाम हासिल होंगे, इसलिए दोस्तों काम पर पूरे ध्यान को इसमें समर्पित रखें। दोस्तों यश में घर में कोई धार्मिक कार्यक्रम भी संपन्न हो सकता है, यश में मनोरंजन संबंधी यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में पुष्य नीति जायदाद से संबंधित कार्यों में जो है कुछ विलंब होगा, परंतु दोस्तों बाद में काम शांतिपूर्ण तरीके से भी निपट जाएगा। ध्यान रखें कि कोई पुराना नकारात्मक बात उभरने से रिश्तों में भी खटास आ सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको स्वभाव और आचार विचार की वजह से आप अपना महत्व को खो रहे हैं। दोस्तों हम जिस तरह की व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं वैसे ही अपने व्यक्तित्व में बदलाव भी पाते हैं, इसलिए दोस्तों मित्रों का आप चुनाव करते समय सतर्क रहें और सही मित्रों का चुनाव करें, क्योंकि दोस्तों एक गलत व्यक्ति आपकी भी जिंदगी को यशमय बर्बाद कर सकता है। इसके उपरांत दोस्तों परिवार संबंधी निर्णय लेते समय जो है दुविधा यशमय बढ़ सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यशमय पब्लिक डिमांड और मीडिया से संबंधित लोग अपने कार्यों को अधिक ध्यान दें यशमय, क्योंकि आपको अच्छा मुनाफा होने की संभावना बन रही है। ऑफिस में अपने महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें, कोई इनका नाजायज फायदा भी उठा सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में काम में आर्थिक प्रगति दिखेगी, लेकिन काम का श्रेय आपको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों व्यवसायिक गतिविधियाँ जो है बेहतर रहेंगी। साथ ही दोस्तों वित्तीय मामलों में भी यश में सुधार आएगा। यश में अगर कोई भी व्यवसायिक संबंधी यात्रा करते हैं तो दोस्तों उनका कोई भी शुभ परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा, तो इसका भी ध्यान रखें। इसके बाद दोस्तों यश में आपके करियर के लिए समय होंगे, दोस्तों व्यवसायिक दृष्टि से अभी ज़्यादा समय लाभदायक तो नहीं है, परंतु दोस्तों फिर भी गतिविधियों में कुछ ऐसा सुधार आएगा। नौकरी सेवारत व्यक्तियों को जो है अपना काम बेहतरीन तरीके से पूरा करने से अधिकारियों का प्रोत्साहन भी प्राप्त हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे दोस्तों, यश में कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी, दूसरों की बातों में न आए और दोस्तों अपनी कार्य क्षमता व प्रयोग्यता पर ही विश्वास रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में साझेदारी के व्यवसाय में भी उचित तालमेल बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी, परंतु प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो जाने से अलगाव की जैसी स्थिति भी बन सकती है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों आपके प्रेम संबंध के लिए जो समय होंगे दोस्तों, यश में जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर बनाकर रखने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, परंतु व्यवहार संबंधों से यश में दूर रहें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, पति पत्नी के बीच अहम का टकराव उत्पन्न हो सकता है जिसका असर परिवार की व्यवस्था पर भी पड़ेगा, इसलिए दोस्तों सावधान रहें। इसके उपरांत यश में आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे दोस्तों, यश में कुछ समय जो है जीवन साथी के साथ में मनोरंजन और शॉपिंग आदि में व्यतीत करें, इनसे आपका प्रेम संबंध अच्छे होंगे और दोस्तों प्रेम संबंधों में इनसे नजदीकी आएंगी, दोस्तों प्रेम प्रसंगों में यश में प्रगढ़ता भी बढ़ेंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा, परंतु दोस्तों घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं बढ़ सकती है, इसलिए उनका उचित ध्यान रखना आपके लिए बेहतर होगा।